अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। हाय फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का सबसे किफायती तरीका। सबसे अच्छा, सुंदर, सस्ता तरीका है, डेड बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दो। फिर उसका अचार बना दो। आचार केवल सरसों के तेल में ही बना है, काफी तेज स्मेल होती है उसकी, किसी को भी शक नहीं होगा। दूसरा किफायती तरीका है, मीट को सुअरों को खिला दो। सुअर हड्डी तक चबा जाते हैं। बस ख्याल रखें कि डेड बॉडी से सारे बाल छील डालें और उसके दांत निकाल दें। उसे हजम करना सुअरों के लिए भी मुश्किल है। आपको कम से कम 16 सुअर की जरूरत पड़ेगी, जो पूरी की पूरी 200 पाउंड की डेड बॉडी खा के चट कर जाएंगे 8 मिनट में। फिर आप भी खुश और सुअर भी खुश। Radhika, wow, you haven't changed a bit. You still look the same. फिर तुम इतनी अंग्रेजी क्यों छाड़ रहे हो? हे भगवान, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, बरबट्टी। हाँ, यही बुलाते हैं तुझे स्कूल में? मैं बरबट्टी और तुम गेंडे। अच्छा, एक चीज बता, have you got a place to stay या फिर तू मेरे यहाँ रह सकती है? नहीं नहीं, तू मुझे पिकअप करने आ गए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बाकी मैं मैनेज कर लूंगी। पक्का? ठीक है, सर्विस मैम। कोई ठंड यार तुम्हारे लंदन में? हस्बैंड कैसा? तुम्हारे बच्चे बच्चे नहीं दिख रहे हैं, छुपा के रखें क्या? शादी नहीं हुई क्या? हाँ, क्यों, जरूरी है क्या? अच्छा, यहाँ बड़ा चाकू मिलेगा क्या? हाँ, कितना बड़ा? बूचर्स नाइफ। बूचर्स नाइफ का क्या करना? मीट का अचार बनाना है, मेरा बिजनेस का आइडिया है। मिलेगा, टेस्को। ये क्या है? यहाँ का सुपरमार्केट। अच्छा, और यहाँ सुअरों की फार्मिंग होती है क्या? हाँ होती है, क्यों? सुअर ना बड़ा कमाल का जानवर है,
उसका आप अचार बना सकते हो और जो बचा कुचा सुअर होता है ना वो आप बाकी सुअरों को खिला सकते हो, हड्डियां तक चबा जाते हैं, कमाल है ना। मेरे इरादे मुझे नेक नहीं लगे। अरे मेरे इरादे नेक ही हैं। अंकल आंटी कैसे हैं? यार आंटी के वो बूंदी के लड्डू लाई हो साथ, याद है कैसे मैं झपट पड़ता था उन पर? देख कुछ भी जरूरत हो बेहिचक फोन कर, सीधे घर आ, चल भाई। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। बख्शी अंकल है ना? हाँ, क्या चाहिए? एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी थी आपसे हमारे जीजा जी के बारे में। वो दरअसल क्या हुआ ना, 4 साल पहले हमारे जीजी और जीजा का ब्याह हुआ था और फिर वो यहाँ पर इंग्लैंड आ गए थे, फिर 4 साल से संपर्क टूट गया उनका, तो जानकारी प्राप्त करनी थी। उन्होंने आपका नाम लिया था, ठीक तो है ना? हाँ हाँ, इतनी सारी हिंदी मैंने पिछले 15 सालों में नहीं सुनी। Honey, she's new here. Please don't laugh. Sorry. English, love the crockery. देखो, इतने सारे लोग आते हैं इंडिया से, यहाँ सबके बस की बात नहीं यहाँ रुकना। अंकल जी, कोई तो तरीका होगा ना जानने का। जीजा और जीजी के बीच में कोई समस्या नहीं थी और काफी बातचीत होती थी, हफ्ते में एक बार तो फोन कॉल हो ही जाता था, पर पता नहीं उसके बाद अचानक से संपर्क वंपर्क सब बंद हो गया। तो तुमने पुलिस में पता किया? लीगली आया था क्या? यहाँ पर लॉस बहुत स्ट्रिक्ट है। आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलेंगे क्या? Did she say police? Haven't you got that thing you have to go to? मैं क्यों जाऊँ? No, sweetheart, no police. Police nahi. He's a UK citizen now. He's living here legally. अंकल जी, अगर आपकी बेटी का जीजा खो जाए तो आप क्या करेंगे? लेकिन तुम मेरी बेटी नहीं हो ना। Doesn't Betty mean daughter? Is she your daughter? No, I just say. हाँ, लेकिन मैं आपकी बेटी जैसी ही हूँ ना, और हम लोग तो एक ही देश से आते हैं। तो? Do you have a wife that you're hiding from me, darling? अच्छा अंकल जी, फर्ज कीजिए कि आपकी बेटी का जीजा खो जाए, मतलब भगवान ना करे कि आपकी बेटी का जीजा खो जाए, लेकिन मान लीजिए अगर आपकी बेटी का जीजा खो जाए और वो उसको ढूंढते ढूंढते किसी पराए देश में आ जाए, तो आप कह रहे हैं कि आप उसकी मदद नहीं करेंगे? Come on, chop chop. We have to go to that thing. Oh yes. He's so forgetful. देखो, मेरी बेटी जीजा क्यों ढूंढेगी? तुम्हारी दीदी कहाँ है? तुम क्यों ढूंढ रही हो अपने जीजा को? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंकल जी, आप बस सोचे कि मैं आपकी बेटी ही हूँ। Motherfucker! You Indians are animals, all of you. आप इंडिया और इंडियंस के बारे में कुछ उठपटांग मत बोलिए, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जय हिंद। Leave this house this very fucking minute with that little cunt. Please calm down. Don't touch me. Get me some motherfucking water, Rocker. Yes, water is coming, darling. Please calm down. Oh, leave my house now. Leave my house right now. ये लो। सॉरी, थैंक यू अंकल। अंकल जी, अगर आपको मेरी मदद नहीं करनी है ना, तो आप मेरे मुंह पे बोल दीजिए, लेकिन आप मुझे साफ साफ बताइए, ऐसे गोल गोल बात घुमा के मत बताइए। अगर लीगली रह रहा होता तो 5 मिनट का काम था, पर यहां आकर लोग नाम भी बदल लेते हैं। अब मुझे ही देख लो, जब मैं इंडिया से आया तब मैं रोशन था, रोशन, और अब क्या? रोको हो गया हूं, रोको रोको। जीसस, आप एक मिनट चलिए मेरे साथ, इधर आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास ना जीजा जी की पर्सनल डायरी है, शहरों के नाम हैं इसमें, वो शायद लंदन से इधर चले गए हो, है? हो सकता है ना। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? बीच में एक ही बार इंडिया आए थे तो अपनी डायरी घर पे भूल गए थे,
और ये देखें, कुछ लोगों के नाम भी हैं इसमें, रोशन बख्शी आपका नाम, एक और हैं दलजीत सिंह नाम के कोई व्यक्ति हैं, इनका लंदन का एड्रेस दे रखा है। आप तो लंदन में सारे एड्रेसेस जानते होंगे ना, मुझे पता है कि आपको शायद यहाँ के भारतीयों के बारे में पता होगा। अब एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी के का, अरे कुत्ते की आवाज, रुक रुक साले, तूने बीवी को छोड़ के भागा होगा ना, तो तेरी की मेरा सामान, ओ रुक ओए रुक 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 ओए रेसले रुक ओए बट रुक 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 ओए रुक ओए बच्चे तूने भी छोड़ा था नहीं, मैं देख लूंगी रुक सर, एक हिंदुस्तानी औरत मेरे पीछे पड़ी है। I meet one Indian woman is running behind me. She wants to kill me. Can you please help me? Where? Where is she going? She was just down there. She was following me. I can't see anyone. साले, बड़े फुर्तीले अंकल जी, हाँ? अपनी उम्र के लिए तो बड़ा तेज भागते हो। कहाँ है मेरा पति? पति? जीजा, जीजा, कहाँ है मेरा जीजा? देखो, मुझे कुछ नहीं पता, राधिका बेटी। बेटी? अब मैं आपकी बेटी बन गई? पहले तो चोर पुलिस खेले थे मेरे साथ, अब बेटी बेटी खेल रहे हो, हाँ? अब मैं घुसा दूँ? देखो, तुम किसी दलजीत के नाम ले रही थी ना? हाँ? एक दिन आया था और उसको लेकर के चला गया, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं पता। तो तुम्हें पता क्या है? हाँ? देखो, जब इंसान घर से निकलता है और दुनिया को समझने लगता है तो सब बदल जाता है। किसी के लिए शायद मैं गलत हूँ, लेकिन अपनी जगह मैं बिल्कुल सही हूँ। आई एम सॉरी, आई कुडंट हेल्प इट। You have
है कौन बैठी? हेलो, हु आर यू? व्हाट आर यू डूइंग हियर? गेट अप, गेट अप, आई कॉल द पुलिस, गेट अप. नहीं मैडम जी, मैं इंडिया से आई हूँ. मैं दिलजीत जी से मिलना था मुझे. तेरा भी अफेयर सी होते ना? हाँ. के पैसे चाहिए तुझे? नहीं, वो मैं एक आदमी के बारे में. आदमी ना मेरे कार अलाउड नहीं है. गलत एड्रेस पे आई है. चल तुम चल चल. दिलजीत जी को जानते थे, उन्होंने उनका नाम लिया. दिलजीत जी, दिलजीत जी, उस कुत्ते का नाम ना ले मेरे अगे, समझे ना? और जिस बंदे को तू ढूंढ रही है उसका कोई नाशा है कि नहीं? की पेशाब कर सकती हूँ? चल अंदर चल. दिलजीत जी, दिलजीत जी नहीं है क्या? अंदर चल. कमशम कर दी सी के हाउसवाइफ. नमस्कार, एयरटेल में आपका स्वागत है. मेरा नाम राधिका है. आज मैं आपकी सहायता कैसे कर सकती हूँ? दो साल किया, पैसे कमाकर यहाँ पर आई. लव मैरिज के अरेंज? अरेंज लव है, नकद अलग. मेरे पैसों से यहाँ पर गुलछर्रे उड़ाने आया था. माँ बाप ने मिला दिया और फिर बस प्यार तो होना ही था. चाकू अच्छा चला लेती है? पति से जो मिलना है. आपने ऐसे छोड़ दिया? हाँ हाँ, ऑन टाइम डिलीवरी, अकेले लेगी. ओला कर. वैसे आपका बेटा स्कूल गया है? स्कूल ट्रिप पर गया. अच्छा, मैं गारंटी देती हूँ किसी कुत्ते का मुंह फाड़ के ना उसके दांत गिर रहा होगा. उसका नाम क्या है? भारत. हाय, इंडिया की याद में. इंडिया के याद में होता तो उसका नाम भारत ना रखती. हाँ, वो भी है. जब इतनी नफरत करती थी उस आदमी से तो शादी क्यों की? मैंने कहा की मम्मी डैडी ने कराई, और ना करती तो क्या करती? घर बैठ के परौठे और अचार बनाती. अकेलेपन का इलाज ना शादी नहीं है. सॉरी. हाय टॉम. हे, गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड, थैंक यू. सो काइंड. एंजॉय दिस टॉम. थैंक यू. हाउ यू डूइंग? हां, इट्स रियली. राधिका? हां, आ रही हूं. चीयर्स टू पतिव्रता राधिका. तो आप यहाँ कब आई? 21 साल की थी. हाँ, 21 साल की. प्यार हो गया था उसे मुझसे. मैं भी पसंद करती थी. फिर मुझे लगा मेरी किस्मत अच्छी है, जलंधर टू लंदन होगी शादी. आ गए. एक महीना सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा, बहुत ही बढ़िया. फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई और वो दूसरी सरोज ले आया. हाँ, बीच सड़क छोड़ दिया था उसने मुझे अपने बच्चे के साथ. घर वापस आने के लिए पैसे भी नहीं दिए. भारत को गोद में उठाकर पैदल घर पहुंची मैं. और बाय गॉड, उस दिन ऐसा मन किया कि भारत को फेंक दो ब्रिज के नीचे और खुद भी छलांग मार दो. नहीं कर पाई, नहीं हुआ मुझसे. मिलने नहीं आया आपको कभी? वो नहीं, नहीं, नहीं. मैं गई थी मिलने उसे. उसकी गोरी गर्लफ्रेंड ने दरवाजा खोला और जब वो सामने आया, उस गोरी के सामने मुझे पहचाना ही नहीं उसने. जस्ट लाइक दैट. कैसे कर लिया आपने ये सब अकेले? अरे पगली, इतनी सीरियस क्यों हो रही है? अगर मैं आपकी जगह होती ना, मैं कभी नहीं कर पाती है. My God, मैं कभी नहीं कर पाती सरोज जी. और वेरी ब्रेव सरोज जी. ना 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 ना, कोई ब्रेव शेव नहीं हूं मैं. ओए, ये सारी चीजें ना आदमियों की बस की होती नहीं है. भरत को अकेले पाला है मैंने, अकेले. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ. और तू भी प्रॉमिस करके तू कभी ये नहीं कहेगी कि तुझसे नहीं होगा.
अगर मैं कर सकती हूँ ना, तू भी कर सकती। प्रॉमिस कर। प्रॉमिस। 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 सुन, हाँ एले, ये क्या है? पराठे। सुसाइड मिशन खाली पेट थोड़ी ना होता है। मैं ना वाइग्रो से कहूँगी कि तू और तेरा पति इंडिया ना आ जाए। हाँ, किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे फ़ोन करना, ओके? थैंक यू सर्विस दीदी। बाय, रब रखा। कुछ साल पहले यहीं पे जॉब करता था, फिर कहीं चला गया। सुना है ऑक्सफोर्ड वगैरह में अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। ऑक्सफोर्ड? वहाँ का कोई फोन नंबर, एड्रेस वगैरह? नंबर आई एम नॉट श्योर, क्योंकि कभी बात ही नहीं हुई। पर हाँ, शायद मिस्टर पटेल को पता हो। रुको, मैं पटेल भाई का एड्रेस निकलवाता हूँ। दा, दा, केम छे भाई, मजा में? આપણે તારી જે પેલા જગ્યા હતી ને એનું એડ્રેસ જોઈતું હતું। એક બેન આવે છે, અભિષેક ને શોધે છે। યહાં પે દેખ લો, પટેલ ભાઈ કા એડ્રેસ હે, શાયદ ઉનકો પતા હો અભિષેક કા એક્ઝેક્ટ એડ્રેસ। યહાં સે કિતના દૂર હોગા, કોઈ આઈડિયા? ગૂગલ કર લો ના, સારે દુનિયા કે ગવાર ઇસી દુકાન પે આતે હૈ। Извините, какой автобус на Бонд стрит идет? А? Автобус на Бонд стрит. Бонд. Джеймс Бонд стрит. Джеймс Бонд? Пикчер. Джеймс Бонд пикчер. Мне нужен до Бонд стрит, всегда Бонд стрит. English. Ну нет, English. Не понимаю, мне очень важно. А я тонцы भाषा में बात करूं, मुझे क्या समझ में आएगा? Тут мне чирикаешь вот это вот на своём. Ты можешь? Мне пас बहुत प्रॉब्लम्स है. Я всё нормально, по-русски спрашиваю. Нет, समझ में आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? Ты можешь мне нормально ответить? Я спрашиваю, как? Я Бонд стрит, Бонд стрит. हेलो। हेलो आनंद। राधिका कैसी हो? राधिका, ये टॉवल देने आया था। राइट।
शादी के कुछ महीनों बाद वो लंदन भाग आया। कुछ महीनों तक मैं इंतजार करती रही कि अब कॉल आएगा, अब कॉल आएगा, मुझे बुलाएगा, बोलेगा आ जाओ। कॉल ही नहीं आया। मैं बेवकूफ थी। टेंशन मत ले, मैं कुछ ना कुछ तो पता निकाल ही लूंगा तेरे से अभिषेक का। थैंक्स सर आनंद, तो बहुत मदद कर रहे हो। एक बात बोलूं, अपनों ने भी नहीं की इतनी मदद, मैं सच्ची बता रही हूं। तुमने शादी क्यों नहीं की? शादी यार समझ ले हुई नहीं। खैर इसे बातें छोड़, तू सो जा, कल बात करते हैं। I'm sorry, वो ब्लैंकेट। गुड नाइट। या हेलो मिस्टर पटेल। मिस्टर पटेल, इंडियन मैन, यू नो हिम? या वन मिनट, या वन मिनट। Right door behind you. Go wash your face. Okay. Thank you. I know where Patel is. Huh? Where? Would you like some tea? 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 No, no. No tea. No tea? No tea, no tea. You have address? I can get you the address. Okay. You want the address? Yes, yes, I'll please. I'll get you the address. The address here. Do you want it? Do you want it? Hey, come and get it. Come on, come over here. I've got it. There you are. Do you have anywhere to stay tonight? Huh? Would you like to stay here? No, no, mujhe jana hai. I have to leave, I have to leave. Thank you very much. Oh. I will go now. Please, can we talk sometime? Can't talk. मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, नहीं मेरा हाथ छोड़ो। क्या कर रही है? सो जा
जानवा तू इस जग में तेरा कोई ठिकाना नहीं क्यों खोया खोया है तू क्यों सुन सहमा सा इस जहां में कोई मकान ना तेरे लिए ढूंढे यहाँ क्यों तू घरों दा इस जहान में मेरा कोई है जहाँ तेरा ना कोई कदरदान यहाँ तेरा ना कोई हमनवा सुन मेरे मनवा तू ही बता यहाँ तेरा वजूद है क्या भरे बाजार की इस भीड़ में तू है पर है तो गेंडे जी आज आखिरी रात एक नंबर की भूंदू हो तुम काश कभी कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाते अच्छे भूंदू Good morning. Nashta tayar hai. Good morning. Have a seat. I'll get you a fresh one, huh? Achha, ek cheez batao. Tum chai logi, coffee? Chai, please, adrak wali. Kya baat hai? Tumhare mere taste kitne milte julte hain, bhai. Waise tumhare pati ke bare mein sari information maine phaila di hai. Apne WhatsApp group mein bhi uski sari details dal di hain. Vishwasniya sutron se pehli khabar milte hi aapko itla kar di jayegi, mohtarma. थैंक यू आनंद वैसे एक बात बोलूं यार तुम्हारा पति ना ही बड़ा गधे किस्म का आदमी है तुम्हारी जैसी लड़की को छोड़ के भाग गया वैसे मुझसे शादी की होती ना तो कभी ये नौबत नहीं आती वैसे मुझे पता है कि मेरी डेस्क पे रोज चॉकलेट कौन छोड़ता था अच्छा कौन छोड़ता था मिस्टर इंडिया
कॉलेज के बाद तो तुम गायब ही हो गए। तुझे सही में नहीं पता क्या? क्या नहीं पता है? यार पूरे शहर भर में खबर है, तुझे पता ही नहीं क्या? मुझसे मर्डर हो गया था। क्या? एक्सीडेंट था। तुझे पता है ना मुझे गुस्सा कितना आता था। खैर इससे पहले कि मैं जेल जाता घर वालों ने मुझे बाहर भेज दिया और मैं घूमते घुमाते यहाँ पहुंच गया। यहाँ मुझे मिला मेरा सेकंड चांस, मेरी टैक्सी। लाइफ सबको सेकंड चांस नहीं देती। लो जी आ गया एंड्रयूज लेन। पहुंचते ही कॉल करना। ऑक्सफोर्ड वाली मौसी का नंबर लिख लिया ना? हाँ आनंद। जो आदमी खुद सिगरेट पीता हुआ अपने बच्चे को सिगरेट ना पीने की नसीहत कैसे दे सकता है? ना तुम सिगरेट पीते हो ना तुम्हारे बच्चे हैं तो बात सही। मैं नहीं पीता तो मैं तो तुमसे कह सकता हूँ जो गलतियां मैंने की है वो तुम मत दोहराना। कुछ गलती के साथ जीना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाय, ध्यान रखना अपना। तुम भी। मर गए। Listen, I don't have any money. So if you're expecting me to give you anything, but you can... I don't want any money from you. Huh? No money, Bhikmangi. Then? I messaged you on Facebook, Lyft, Oxford. Right. छोड़ कहीं की मैं तुझसे क्या पैसे लूंगी कुत्ती। हिंदी आता है मुझे। 200 quid. What? Fine, I call police. Wait, you cunt! Pond, नहीं पांडे हैं। नाम सही से लो हमारा। Where exactly in Oxford do you want to go? हैं? Slowly. किधर? ठीक. Oxford के under. अरे बहन. English, please. किधर जाना? Oxford में. यहाँ.
100 quid. Plus damages for the liquor. Paise udhar. 90 pounds. 10 pounds discount to save you from police, okay? Fine. तुम यहाँ अकेले रहती हो? I don't think that's any of your business. Where the hell is my bag? तुम्हें हिंदी कैसे आती है? Mom India से थी and Dad what is British. अच्छा, मम्मी डैडी के साथ रहती हो? घर पे नहीं है क्या? काम पे गए? उनका डिवोर्स हो गया. ओह. मेरा बाप शराब पी के मेरी माम को मारता था. तो मेरी मम ने उसका बाहर फेंक दिया. क्या फेंक दिया? चोरी. They separated. छोड़ दिया. तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे डैडी को छोड़ दिया? Yeah, that's what I said. अच्छा. मुझे तो लगता था कि सिर्फ इंडिया में होता है. मेरी काम वाली है, उसका पति भी शराब पी के उसे रोज मारता है, तो उसने भी उसको मतलब I understand. Right. I'm sure you do. You have experience apparently. तुम्हारी मम्मी अकेले रहती हैं? उनका ध्यान कौन रखता है? उनके साथ कोई रहता है? She died of cancer. Oh, sorry. इतनी शराब कौन पीता है? तुम पीती हो? You talk a lot. अरे फ्लावर पॉट में फ्लावर तो डाल दिया करो यार. अच्छा नहीं लगता ऐसे खाली. Fuck. क्या हुआ? तुम फ्लावर पॉट भी लेके जा रही हो? Oh, come on. I work in BPO. I make pickle. I do Facebook. I do Insta. Facebook and Instagram won't be very happy to know you're doing them. Then what? I can do everything. Here it is. मैं तुम्हारी राम कटोरी और घर के तो बिल्कुल फटे हाल हैं टिकटॉक. लिफ्ट चाहिए? नहीं तो जा सकती है. नहीं नहीं चलो चलते हैं. सीट बेल्ट. गणपति बप्पा मोरिया. राइट लेना दीदी. यहाँ से राइट, यहाँ से राइट, 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 राइट. तुम्हारी खुशी के लिए ये लो. खुश हो गए तुम? लौटे घर तो भी हरा भरा है समा. भैंस हूँ मैं हर जगह. चाचा चाची और बड़े भैया है बुलाऊं तुझको आज घर नहाने सरा. थोड़ा पगला तुम ऑक्सफोर्ड क्यों जा रही हो? There's a modeling contest there. It's a big one. I missed it last year. तो तुम एफटी में आओगी? Let's hope so. बात है यार. सुंदर तो हो तुम. मेरे बॉयफ्रेंड को नहीं लगा इसलिए छोड़ के गया. आगे के बटन छोड़ के चला गया. चलो 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 चलो.
Hello? Andrew, hi. Yeah, I'm on my way to the competition, so don't worry about... Wait, what? I don't understand. How can they do that? One second, I... Okay. All right, fine. क्या हुआ? कुछ नहीं. कुछ नहीं हुआ तो मुंह क्यों चढ़ा के बैठी हो? मेरे एजेंट के कॉल आए. और क्या बोले तुम्हारे एजेंट? कॉन्टेस्ट डिले होगा. भाई कॉन्टेस्ट ही डिले हुआ है ना, कोई मरा थोड़ी ना है. मुंह क्यों लटकाए बैठी हो? क्या सोच रही हो भाई? क्या सोच रही हो? मेरी नानी रहता है पास वाले टाउन में, उनसे मिलने के मन किए. तो हमारे प्लान चेंज किए, तुम बुरा तो नहीं लगोगे? मैं क्यों बुरा लगूंगी? नानी तुम्हारी, मन तुम्हारा, मुझे क्या समस्या हो सकती है बताओ. Shall we go then? एक शर्त पे. What? मुस्कुराओ. चलो मैं तैयार होकर आती. Listen, वो थोड़ी अजीब है, so just take care of that. तुम्हारे साथ एडजस्ट कर लिया नानी, कौन सी बड़ी बात है. Here it is. ये तुम्हारा घर? वाओ, बहुत सुंदर है यार. I know. मैं इसी घर में पैदा हुई थी. है? हर साल मम के साथ आती थी. Oh my goodness, best summer holidays ever. 8 साल के बाद आ रही हूँ. I was homeless for 4 fucking years, Radhika. I didn't want you to see me like that. मुझे नहीं लगा तुम्हारी नानी जी घर पे हैं. She's home. I know she is. एक बार कॉल कर लेती उन्हें ना. I don't need to call her. She's her grandma. Finally. कौन है तुम? मैं आना. आना कौन? आपकी बेटी. पोती. 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 मेरी पोती 8 साल पहले ही मर गई. Okay, grandma. Oh, by the way, this is my friend Radhika. इंडिया से है. नमस्ते नानी जी. बहुत अच्छे हिंदी बोलती है, बहुत अच्छे अचार बनाती है, पर ठीक है, आपको बात नहीं करनी है तो let's go. अरे कहाँ जा रही हो तुम? फुद्दू. हाँ? What's फुद्दू? अरे coming inside. अरे नाती होता है, होती नहीं. ये लीजिए गर्मा गर्म बिरयानी, जरा चख के बताओ कैसी है नानी जी आपकी. बहुत खुशबू आ रही है. ये इंडिया याद दिला दिया तुमने आज. अरे इंडिया तो आपके दिल में रहता है नानी जी. ए अब क्या अपने एजेंट का गुस्सा सारा बिरयानी पर निकालोगी? No. Are you mad? पक्का? Yeah. नानी जी आप ये किसके लिए बना रही हैं? मेरे हस्बैंड के गुजर जाने के बाद आई टुक दिस अप एज अ हॉबी. ही यूज्ड टू गिव मी ऑल दिस. कम से कम इसी बहाने में उन्हें याद तो कर लेती हूँ. चलिए इस बहाने में अपनी बिरयानी ले आती हूँ. शकुंतला की कहानी नहीं सुनी? शकुंतला? कौन शकुंतला? जब ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दिया था कि दुष्यंत उसे भूल जाएगा, तो शकुंतला बहुत रोई. पिघल कर ऋषि ने शकुंतला से कहा कि अगर वो दुष्यंत की दी हुई कोई चीज उसे दिखाएगी तो उसे सब याद आ जाएगा. तो शकुंतला की अंगूठी देखकर दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया. तेरे प्यार को जब याद आएगा ना, वो खुद दौड़कर आ जाएगा. Shall we eat? हाँ बहुत भूख लगी.
यार तुम्हारा घर तो बड़ा सुंदर। क्या हुआ? कुछ ढूंढ रही हो? Yeah, just keep quiet for 2 seconds, yeah. क्या ये? बोलो आप। हंसी की दवा। हंसी की दवा? Let's go. Let's go. गांजा? Yeah. तू गांजा भोग रही हो? Oh my God. तेरी नानी देख लेंगे तो फिर कोई नहीं देखेगा। पागल तुम? क्या? Try. What? Take it right. अरे नहीं अब कभी क्या? Come नहीं on. नहीं कभी। Try. मरूंगी तो ना? You love it. खराब नहीं है। वेट, तुम ही करो भाई। वॉच 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 सिंपल कम ऑन। अरे तुमसे हो जाता है बहन, हमसे नहीं होता है। तुमसे भी होगा। ब्यूटिफुल। Oh my goodness, you're adorable. Acha laga? Ye to ho gaya. Yaar tumhari nani to badi natkhat nikli. Hai? Is umar mein jaake koi nahi sochta ki log kya kahenge. Ye baat tumne bilkul sahi ki. Hum saale charkhe hain. हम सोचते ही रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लाओ तो लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर कौन जानता है मुझे, है ना? कोई नहीं जानता। मैं तो करूंगी। या छोड़ो। ये तो सचमुच हंसी की दवा। मुझे पता है तू यहाँ क्यों आई है। चाकू देखा था मैंने तेरे बैग में। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, मेरे तजुर्बे से, किसी आदमी पे अटकी मत रह, चाहे कुछ भी हो, लाइफ गोज ऑन। हेलो आनंद। हेलो राधिका। हेलो हेलो मेरी आवाज़। हेलो मेरी आवाज़। हेलो। हाँ तुम्हारी आवाज़ आ रही है। बोलो। एक्चुअली वो एक अभिषेक का पता चला है। हाँ उसने ऑक्सफोर्ड में दूसरी शादी कर ली है। नानी, I've been calling you, can't you hear me? Nani, we have to leave. Nani, this is not funny. Nani, come on. Nani. राधिका, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली है। I'll WhatsApp you his exact address. आनंद, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। राधिका तुम ठीक हो? आना, क्या हुआ? नानी, I don't understand. She's not responding. हाँ? She doesn't seem to have a pulse. नानी जी। अरे नानी जी उठिए। अरे नानी, That's Radhika. She grew very close to my grandmother. Thank you so much for coming, by the way. To pay my respects to Nani's love for Hindi, I shall share my thoughts and memories in Hindi, so bear with me. Nani kehti thi, bacha, vast avig bane raho. Child, always be yourself. अगर तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तो कोई दूसरा प्यार करने वाला नहीं रहेगा। मिलेगा मिलेगा।
मिलेगा. इफ यू विल नॉट लव योर सेल्फ देन नो वन एल्स विल. डब्बे में बंद होकर सोचने के लिए ही मौत होता है. डब्बे के बाहर सोचो, जो भी करो उसमें लुत्फ उठाना मत भूलो. डेथ हैपन्स व्हेन यू थिंक इनसाइड द बॉक्स, सो थिंक आउटसाइड द बॉक्स. लिव लाइफ एंड यार लुत्फ का मीनिंग तो मुझे भी नहीं पता. बेसिकली जस्ट व्हाटएवर यू डू, डोंट फॉरगेट टू हैव फन, डोंट फॉरगेट टू एंजॉय. थैंक यू. राधिका, तुम्हें पता है लास्ट टाइम मैंने किससे हिंदी में बात की? माँ से. आई मिस हर. मुझे पता है तुम्हें तुम्हारी माँ की बहुत याद आती है. या तुम क्यों रो रही हो? तुम भी रो रही हो पर दिखा नहीं रही हो. तुम्हें रोना चाहिए, दिल हल्का होगा. रो, आओ मेरे संग रो. रो रो मेरे संग रो. रो जोर से रो. Are you serious? अच्छा ठीक है, छाती पीट लो. जोर से पीटो. कोई नहीं सुन रहा है, जोर से रो. अब हम ऑक्सफोर्ड कैसे जाएंगे? हमारे तो सारे पैसे शोक सभा में खर्च हो गए. यहाँ वेट करो, मैं आती हूँ. Hiya. You're right. Yeah, not too bad. You? Can you see that car over there? How much for that beauty? 100 quid. Are you kidding me? No. 400. 400? Are you mad? You're crazy? Look, I've got about four other cars there. It's perfectly fine. अपना सामान ले लो, बस में जाएंगे. बस में? बस क्यों? हाँ? बाद में समझाऊंगी, पहले इससे निपटाने. Keys. Yeah, I'm not running away. I'm no thief. Thank you. You want to count them? I will. Enjoy. Diljit ji, aap parathe khate hain? Kaun se Punjabi nahi parathe khata hai? Meri ex-wife banati thi kai saal pehle. Kyun? Nahi, wo kya hai na, ye. Hey! Are you stupid? What's that for? Kha lena. Idiot! Tu idiot! Thank you so much. Lovely to meet you. Yeah. Bye bye. अरे यहाँ तक छोड़ दिया उसने.
कैसे आते फिर? Yeah, I guess. Anyway, so this is it. How do you feel? Happy, excited. पता नहीं. उसको बोलोगी क्या? ये चाकू ना उसके पेट में 3-4 बार उसमें घुसाड़ दूंगी, मार डालूंगी सारे को. ये उसके पापों का हिसाब चुकता करने का उपकरण है. इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंट. तुम्हारे दिमाग खराब हो गए? क्यों क्यों? अरे जेल जाओगी, उसकी वजह से अपनी लाइफ क्यों खराब करते हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. फर्क नहीं पड़ता है, फक हिम. अपनी लाइफ के साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं वो करो. देखो जो मुझे आता है ना मैं वो कर रही हूँ. मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी. मदद? तुम्हारा ये बेवकूफ रिवेंज प्लान में? हेल नो. ठीक है, अकेली मार दूंगी मैं उसे. नहीं चाहिए तुम्हारी मदद. फाइन, यू आर फकिंग इनसेन मैन. सुअर हड्डी तक चबा जाते हैं. आपको कम से कम 16 सुअर की जरूरत पड़ेगी जो पूरी की पूरी 200 पाउंड की डेड बॉडी खा के चट कर जाएंगे 8 मिनट में. ये यूट्यूब वीडियो देख के तू लंदन आई? कमाल का प्लान है ना. कमाल का. मुझे पता था कि सिर्फ तुम मेरी भावनाओं को समझ पाओगी. क्यों जिस दिन वो आदमी मुझे मिल गया उसके नाम मैंने ऐसे टुकड़े कर देने, ऐसे कूच कूच के उसको मार डाला. मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा. हमें पता है कि ये रॉकी का अभिषेक का घर है. हर वेंसडे ठीक 6 बजे अपनी वीगन बीवी को झूठ बोलकर वो घर से बाहर जाती है. ठीक 7 बजे फिर वो अपने दोस्तों के साथ बियर पीने और सुअर खाने पग जाती है. Hi. ठीक 8:30 बजे वो अपने दोस्तों से छुप के वही पब के पीछे सिगरेट पीती है. जैसे ही सिगरेट फेंकती है वही हमारा सिग्नल होगा और तब हम अभिषेक को मार सकते हैं. एकदम टट्टी. टट्टी मतलब? ये भीड़ भिड़ाके का इलाका है, हमें उसे एक ऐसी जगह जाके मारना होगा जहां लोग एक्सपेक्ट ना करें. कहां? उसके घर में. उसके घर में? उसकी बीवी के सामने मारूंगी भोसड़ी के को. Are you mad? You can't do that. उसका गला काट दूंगी. कैसे करोगी? करूंगी, मैं करूंगी. अचार बनाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बर्नी में भर के लेके जाऊंगी. अचार बनाने के लिए प्लान चाहिए होता है. मेरा प्लान बहुत अच्छा है. What are you looking at? चल. Where? Are you sure? बस मेरे आने तक को जुगाड़ कर लेना. What's जुगाड़? 70-80 किलो का मुस्टंडा है, गोद में थोड़े उठाए घूमेंगे. कर लोगे ना? Wait. क्या हुआ? You know, right? चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारा साथ हूँ. hmm.
Go. Hi. Rocky is inside? Yes. Who should I say this is? Old friend from India. Okay, come in. Can I? Please. Thank you. You're welcome. Take a seat. Would you like any tea, coffee? No, thanks. No water? No, thanks. Okay. Mira Bacheka Bacheka here. Okay, I'll just get Rocky for you. Susan, where's the duct tape? Can you pass it, please? अभिषेक राधिका, तुम? Okay, अब? मुझे बांधा क्यों है? तो तेरी आरती उतारूं क्या? छन्नी से तेरे चांद से चेहरे की पूजा करूं क्या? पागल मत बन, मुझे किडनैप करके लाई है तू, यहाँ की पुलिस तुझे छोड़ेगी नहीं। चुप कर मादरचोद, साला, गोरी चमड़ी नहीं देखी कि फिसल गया? शादी कर ली यार तूने तो उससे? ज़बान लड़ाने के गोटे कहाँ से आए तेरे पास? What's gote? Balls. Right. अरे तुम तो समझदार लगती हो? कुछ करो। मैं क्या करूँ? You deserve it. अरे इस लड़की के दिमाग की वायरिंग गड़बड़ है। She is highly unstable. Believe me. जरा सी भी चीज़ बोलो ना, तो ये बदला लेती है। She is dangerous. झूठ बोल रहा है। जैसे? जैसे टायर पंक्चर कर देती है, चाय में जमाल गोटा मिला देती है ये। बकवास कर रहा है ये। या मेडिसिनल मिसयूज,
फॉर द पर्पस ऑफ लूज मोशन। बस। अरे हर रोज। एक दिन मैंने कहा कि साइकाइट्रिस्ट के पास चलते हैं। उस रात मुझे जो लूज मोशन हुए, फिर इसके बाप का फोन आता है कि मेरी बेटी पागल नहीं है। अगर तुम मेरी बेटी को पागलपंती के डॉक्टर के पास ले जाओ तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके। या इसीलिए गोरी से शादी करके इसको सरने के लिए छोड़ा। No. राधिका, he's boring me. Let's get started. Don't start. कहाँ से शुरू करें? शुरू? What are you starting? इसकी उंगलियाँ काट देते हैं। No, please. Can I chop his dick off, please? I've always wanted to do that to a man. Not my dick, please don't. इसके कपड़े उतार देते हैं। इसको ना मादा चोर को नंगा ही कर देते हैं। मेरे कपड़े मत उतार, मेरे कपड़े मत उतार। जब साला सर्दी में मरेगा तब पता चलेगा। Very cold, please don't do that. Stop it, stop. सुअर के फार्म में जाना है ना। सुअरों के फार्म के टुकड़े कर करके सुअरों को खिलाना है। लेकिन सुअर बाल नहीं खाते। So sorry. देखो प्लीज। हम कहीं भी जा सकते हैं। टैक्सी खाली है? तुम कब आए? बस अभी। सब ठीक है ना? क्या लाइफ आपको सेकंड चांस दे ही देती है, पहचानना आप पे निर्भर करता है ना? बाप बच चुका हूँ। हाँ, मेरे बच्चों का बाप भी बना था। जल्दी, जल्दी, फिर ड्रिंक के लिए जाएंगे। I'll buy you a drink। क्या मेरा बदला कितना हो जाएगा? मेरी गलती। I'm proud of you. I really am. I knew you wouldn't. Always knew that. Life आपको second chance दे देती है, पहचानना आप पे निर्भर है ना? देर आई दुरुस्त आई। अब अपने किससे भी सुनाओगी कि हुआ क्या? कभी नहीं। अरे चलो ड्राइवर। क्यों भागते रहते हैं जिंदगी बाहर से? जब घर से बाहर निकलते हैं ना तभी नजरिया बदलता है सारा।
या तो आप हालात से हार मान लेते हो या उसका डट कर सामना करते हो। All the papers are fraud. I'm sorry. I'll have to arrest you. या हालात आपकी लोड़े लगा देते हैं। पर हालात कुछ भी हो, लाइफ मस्ट गो ऑन। कम तो पल को मेरे कोई